दोस्तों आज हम बात करेंगे पांच सबसे आसान और सस्ते तरीकों के बारे में जो फेफड़ों में जमी गंदगी और टार को साफ कर देंगे। इससे आपके फेफड़े साफ और स्वस्थ रहेंगे। दोस्तों धूल मिट्टी, सिगरेट स्मोकिंग और गलत खान पान की वजह से फेफड़ों में गंदगी जमा हो जाती है जो आगे चलकर अस्थमा, टीबी, फेफड़ों का कैंसर जैसी कई खतरनाक बीमारियों का रूप ले सकती है। ऐसे में फेफड़ों की सफाई करना बेहद जरूरी है। तो चलिए बात करते हैं उन पांच तरीकों के बारे में जो फेफड़ों की सफाई करने के साथ साथ उनको मजबूत भी बनाते हैं। पहला तरीका, इसके लिए आप एक इंच ताजी अदरक का टुकड़ा लें और इसे अच्छी तरह धोकर बारीक काट लें। फिर एक कप पानी में इसे डालकर 10 मिनट तक पकाएं और इसे छानने के बाद इसमें एक चम्मच शहद मिलाकर इसका सेवन करें। अदरक में बहुत सारे औषधीय गुण और एंटीबैक्टीरियल गुण पाए जाते हैं। इससे फेफड़ों को मजबूत बनाने में और जमा गंदगी को बाहर निकालने में मदद मिलती है। दूसरा तरीका, इसके लिए 1.5 कप पानी को हल्की आंच पर गर्म होने के लिए रखें। फिर इसमें दालचीनी का पाउडर मिलाकर 10 मिनट तक अच्छी तरह पकाएं और इसे छानकर इसमें एक चम्मच शहद मिलाकर इसका सेवन करें। दालचीनी में एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटीऑक्सीडेंट्स गुण पाए जाते हैं। इसके सेवन से फेफड़ों को डिटॉक्स करने में मदद मिलती है। तीसरा तरीका, इसके लिए आप एक टुकड़ा मुलेठी लें और इसे एक कप पानी में अच्छी तरह उबालें। फिर इसमें थोड़ी सी हल्दी और काली मिर्च मिलाकर इसका सेवन करें। इसे पीने से फेफड़ों में जमा बलगम, गंदगी को साफ करने में और श्वसन तंत्र को मजबूत बनाने में मदद मिलती है। चौथा तरीका, इसके लिए आप 4 से 5 तुलसी की पत्तियों को पीसकर 1 कप पानी में अच्छी तरह पकाएं। फिर इसमें 1 चम्मच शहद और 1/2 चम्मच नींबू का रस मिलाकर इसका सेवन करें। तुलसी में एंटीबैक्टीरियल, एंटीऑक्सीडेंट्स और एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण पाए जाते हैं जो फेफड़ों को डिटॉक्स करने में और इन्हें मजबूत बनाने का काम करते हैं। और फेफड़ों की सफाई का पांचवा तरीका है ग्रीन टी। इसे पीने से फेफड़ों की सूजन और स्मोकिंग के इम्पैक्ट को कम करने में मदद मिलती है। इसके अलावा फेफड़ों को साफ और स्वस्थ रखने के लिए आप प्राणायाम कर सकते हो और स्टीम थेरेपी का सहारा भी ले सकते हो। दोस्तों सेहत से जुड़ी और भी ऐसी जानकारी के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलना।